जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्लास ऑफ इंडिया में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैशनल का डिनोमिनेटर और रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए नाइन क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रैशनलाइज का डिनोमिनेटर के बारे में बात करिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि नाइन क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो बेसिक्स है। आज हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम में डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपको मार्क्स पूरे के पूरे लेने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स कहाँ कहाँ पे काटे जाते हैं। टीचर के हाथ में आपको एक भी मौका नहीं देना कि वो आपके मार्क्स काट सके। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आप टीचर को एक मौका मिला ताकि वो आपका हाफ मार्क्स भी काट सके। सबसे पहले हम तरीका सीखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टीचर को कहां कहां पर मौका मिलता है जो आपके मार्क्स काट सकता है। ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट थ्री प्लस टू, अंडर रूट थ्री माइनस टू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होता है तो उसमें अंडर रूट आता है, तो उसको रिमूव करने को हम लोग कहते हैं रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना होता है। ऊपर आएगा तो हम लोग उसको चला लेंगे, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो उसको रिमूव करने का तरीका आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। क्या बताया था कि नीचे से साइन चेंज कर दो, बाकी पूरा पूरा सेम मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, अंडर रूट थ्री प्लस टू, अंडर रूट थ्री प्लस टू कर दिया मल्टीप्लाई, सिंपल था। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, लास्ट क्लास में बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख देंगे, हमने अलग अलग ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आप लोगों को ज्यादा समझ आया इसलिए मैंने अलग अलग ब्रैकेट रखे हैं। नीचे से तो आपको पता ही फॉर्मूला बनता है, लेकिन पहले ब्रैकेट में रखेंगे, अंडर रूट थ्री प्लस टू, अंडर रूट थ्री माइनस टू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर माइनस पहले कल बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं। अंडर रूट थ्री प्लस टू पहले रख दिया, अंडर रूट थ्री माइनस टू बाद में रख दिया, लेकिन नीचे से फॉर्मूला हमेशा बनेगा, ठीक है। आप देखिए ऊपर से अंडर रूट थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्यों किया, होल स्क्वायर कब करते हैं हम जब दोनों चीजें सेम होती है। ध्यान से देखो, अंडर रूट थ्री टू टू प्लस प्लस सेम है, पूरा दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब हमने क्या कर दिया उसका होल स्क्वायर कर दिया। नीचे से आइडेंटिटी लगनी है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्लासों में नहीं आकर जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ आता है रैशनल का डिनोमिनेटर में नीचे से आइडेंटिटी कहां से लगी है। और जिनको अभी भी नहीं समझ आता मैं बता दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। लास्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। अब क्योंकि हमने यहां पे आइडेंटिटी लगाई तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे बना। ए प्लस बी डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ऊपर तो ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी देखिए यहां पर ए प्लस बी, ए माइनस बी देखिए यहां पर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने यहां पर लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज तो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको आइडेंटिटी लिखनी बहुत जरूरी है, जहां आपने जो आइडेंटिटी लगाई है जो फॉर्मूला लगाया उसको लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सॉल्व, अब यहां पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस हमारे पास टू था मतलब बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नीचे से अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, लास्ट वीडियो में देखा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, देन टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हमारे पास, अब देखिए अगेन मैंने अभी आपको यहां पर बताया अगर आइडेंटिटी अप्लाई करी है तो लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब कई लोग क्या करते हैं मेरे क्वेश्चन कराने के बाद
बुक खोल के देखते हैं, बुक खोलने के बाद आई एंटर तो गलत है। अरे भाई गलत नहीं है, आपके बुक में बस ये लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ये लगाओ बात से आप आगे पीछे कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। चाहो तो आप इस वाली आइडेंटिटी को लगा के देखिए ना, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी, अप्लाई करके फाइनल रूट 3 का स्क्वायर अभी किया था तो 3 आया, फिर 2 का स्क्वायर 4 आया, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 2 टू द 4 और अंडर रूट 3 उसके साथ ऐड भी था। हां अगर यहां पे अंडर रूट होता, यहां पे ना वाला अंडर रूट 2 होता तो अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देता मैं, लाइक टर्म प्लस कर देता, लाइक टर्म मल्टीप्लाई कर देता, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 6 लिख देता उसे मैं। लेकिन यहां पर नहीं है, 3 में जब बोल दिया छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है माइनस तो बोल देते हैं, 1 आया लेकिन साइन बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब 4 के आगे माइनस, ये भी क्लियर है। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 4 और 3 7 4 अंडर रूट 3 उसके साथ एडिटिव चल रहा है और नीचे से माइनस का वन। क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पर खत्म तो हो गया लेकिन हम लोग डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे, ये नेगेटिव का साइन ऊपर ट्रांसफर कर दो, जब ट्रांसफर कर देना तो ऊपर वाले का साइन चेंज कर देना बस। तो ये हो गया माइनस 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 1। अब आप 1 लगाओ या मत लगाओ ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास गारंटेड आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अब मैंने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको स्टेप बता रहा हूं जहां टीचर आपके मार्क्स काटेगा, लेकिन आपकी बातें नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि आपके एक भी मार्क्स ना कटे, हाफ मार्क्स भी ना कटे। कैसे? पहली चीज, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, आप ब्रैकेट जरूर दिखाना, टीचर को ब्रैकेट दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा कि आइडेंटिटी लगा तो देते हैं लेकिन लिखते नहीं, आइडेंटिटी लगाई लेकिन लिखी नहीं, चलिए ये भी लिख देते हैं। दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं वो नहीं लिखते, आपके हाफ ऑफ मार्क्स हर एक स्टेप पे डिडक्ट होते हुए चले जाते हैं, हाफ मार्क्स उसके यहाँ कट जाते हैं, हाफ मार्क्स उसके यहाँ कट जाते हैं। उसके बाद बच्चा सोचता है यहाँ पे हमारे पास रैशनलाइज हो गया, रैशनलाइज तो हो गया लेकिन नेगेटिव में हमारे पास डिनोमिनेटर अभी भी है, तो हाफ मार्क्स आपके यहाँ कट जाते हैं। टीचर आपको 4 में से देता है 2.5 और जब टीचर के सामने लेके जाओगे टीचर आपको उसके बाद का जवाब नहीं देगा। रीजन क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है 9th क्लास के बच्चों में कि अगर आइडेंटिटी अप्लाई करी है तो उन्हें लिखना बहुत जरूरी है, लास्ट में आंसर को आपको लिखना बहुत जरूरी है। वन आप लगाओ या मत लगाओ वो आपकी मर्जी है। अब मेन बात कि यहाँ पर पी वन क्यूबी फॉर्म में आ चुका है, पी वन क्यूबी फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको बड़ी ट्रिकी बताता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा सुन के। अब आपने सुना होगा अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये रैशनल नंबर बन गया है, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये रैशनल नंबर बन गया है, क्या रैशनल नंबर है? अब आपको पी वन क्यूबी फॉर्म में तो है रैशनल हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है ये अभी मैं आपको छोटे से उसमें बताता हूँ कि रैशनल नंबर क्यों है। ये देखिए बेटा सिंपल सी बात, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर की बात होती है कि वो पी वन क्यूबी फॉर्म में होना चाहिए, ये पी वन क्यूबी फॉर्म में है ठीक है। दूसरा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है, क्यू जीरो नहीं है। तीसरा पी एंड क्यू हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, ये सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी लास्ट वीडियो पहले देख लो तो रैशनल नंबर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बिल्कुल है, क्यू जीरो नहीं है। तीसरा तीसरी कंडीशन भी है, रैशनल नंबर की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो तीसरी कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। -7 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, -4 इंटीजर है, लेकिन अंडर रूट 3 इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी कंडीशन नहीं लगी जिसकी वजह से हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। तो ये बात जरूर याद रखना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब रैशनल नहीं होता, तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि पहला पी अपॉन क्यू की फॉर्म होना चाहिए, यस है। उसके बाद हमारे पास पी एन क्यू इंटीजर यहाँ पर नहीं था, कौन सा? अंडर रूट 3 हमारे पास इंटीजर नहीं था जिसकी वजह से हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। हालांकि पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन आपकी मेमोराइजेशन के लिए ताकि टीचर की नजरों में आपको थोड़ा सा और अच्छा बन सके उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, ध्यान रखिएगा। रैशनलाइज डिनोमिनेटर के बाद अब 9th क्लास के एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि हम लोग जो डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग होते हैं, रेकरिंग का मतलब जो कंटीन्यूअस में चल रहे होते हैं, हम लोग उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब रैशनल नंबर में कैसे बनाएंगे। शायद आपको ये रेकरिंग समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं रेकरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है 1.2222
यहाँ से आप डेसिमल के बाद देख रहे हैं कि यहाँ से टू जो हमारे पास वो लगातार रिपीट हो रहा है। लगातार रिपीट का मतलब ये जो रिपीट है इसी को हम लोग रैकेटिंग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रैकेटिंग। रैकेटिंग का मतलब जो लगातार रिपीट हो रहा होता है। अब क्योंकि ये लगातार रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसे P1 P2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन यही 9th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि आपको इसे P1 P2 की फॉर्म में लिखना है। अब उसे P1 P2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि आपको 1.2222 को P1 P2 की फॉर्म में हमें लिखना है। P1 P2 का मतलब इसे रैशनल नंबर बनाना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि 1.2 या फिर ऐसा लिखा हो कि 1.2 के ऊपर 12, 12 का मतलब ये हो रही है कि वो रैकेटिंग है, लगातार चल रहा है। ये तो 2 2 2 2 ये कितनी बार भी लिख सकते हो आप, ये 2 के बाद आप 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो, 7 बार लिख लो, 8 बार लिख लो, आपकी मर्जी है आप कितनी बार भी लिख सकते हो उसको। तो यहाँ पे 1.2 के ऊपर 12 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, 1.2222 एज ऑन, ये जो डॉट लगते हैं इसका आ रहा है एज ऑन। हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100, तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000। ये अभी नहीं समझ आएगा आपको, अभी मैं करके बताऊंगा आपको कि मैं 10, 100 या 1000 क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग एक्स के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स के बराबर। एक्स इज इक्वल टू 1.2222 एंड एज ऑन, ठीक है। इसे मान लेगा बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 10, 100, 1000 वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर रिपीट हो गए। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है जैसा कि इस क्वेश्चन का हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई The equation multiplying the equation first by 10. 10 से क्यों किया, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करता तो दो नंबर रिपीट होते, फॉर एग्जांपल 2 7 2 7 2 7 लगातार रिपीट हो रहा होता। तीन नंबर रिपीट हो रहे थे कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 into x, ये वाला हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 into 1.2222 एंड एज ऑन, ठीक है। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10x। इसे हमने किया है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां से पहला नंबर है, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, तो पहला नंबर है वो उठ के इसके साथ आ जाएगा। 7 का मतलब प्लस नहीं करना, वो 7 आ जाएगा। 7 का मतलब ये हमारे पास 1 के साथ 2 आ जाएगा, अगर 10 से हुआ है। अगर ये 100 से होता तो दो नंबर उठ के आ जाता, मतलब 22 उठ के इसके साथ आता, 122 बन जाता। या फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो नॉर्मल क्लासेस में करते हैं तो 6 7 8 में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सिंपल क्या बताया मैंने, अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो जो पॉइंट के बाद पहला नंबर ना वो उठ के आगे आ जाएगा, किसके साथ, इस वाले के साथ, क्लियर। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने आपने रिपीटिंग नंबर ऊपर लगाए हैं उतने रिपीटिंग नंबर आपको पॉइंट के बाद यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड एज ऑन, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बेटा अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप बताइए फटाफट कि कौन सी इसमें से इक्वेशन बड़ी है, पहली वाली दूसरी वाली, कौन सी वाली, जी हाँ पहली वाली दूसरी वाली मतलब बड़ी, क्योंकि हमारे पास 10x आ रहा है, 10x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो बड़ी वाली इक्वेशन को पहले रख दो, 10x इज इक्वल टू 12.2222 एड ऑन, x इज इक्वल टू 1.2222 एड ऑन, दोनों माइनस कर देंगे आपस में, कट गया पीछे से सेम था, पॉइंट के बाद दो सेम, पॉइंट के बाद दो सेम, कट गया 12 में जो बन गया कितना हो जा 11, 10x में से x किया कितना हो जा 9x। अब यहां पर देखिए 9x is equal to 11, और 9 मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा x is equal to 11 upon 9, ये हमारे पास
PYQ की फॉर्म में आ गया। ये का क्वेश्चन कि हमारे पास 1.2222 को क्या करना है, PYQ मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में निकालना है। अब तो रैशनल नंबर की फॉर्म का होता है तो आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए, देखिए जीरो भी नहीं है। और तीसरा P और Q हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, 11 और 9 हमारे पास इंटीजर भी है। तो ये था किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर या फिर जो रेकरिंग नंबर है या फिर जो रिपीटिंग नंबर है उसको हम लोग PYQ फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोग अपनी 9th क्लास की बुक में से जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट वाला करवाया, आप दो वाला तीन वाला भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है, यहाँ से आप 10 की जगह क्या कर देंगे वहां पर, अगर दो रिपीट होगा तो 100 कर देंगे और अगर तीन रिपीट होगा तो 1000 कर देंगे। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, एक तो यहाँ 10 की जगह जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या 100x और यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक नंबर आगे आ रहा है ना तो हम लोग क्या करेंगे, दो भी आगे देंगे, तीन भी आगे देंगे। इनके समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा किस तरीके से दो और तीन नंबर वाला कैसे सॉल्व होता है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए क्लास ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक।